मेरे भाइयों, क्या आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप भी एक बढ़िया बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन जिंदगी में ढेर सारी रुकावट है। कभी जिम जाने के पैसे नहीं होते, कभी कभी घर वाले जिम जाने के अलाव नहीं करते, और सबसे बड़ा बैरियर तो भाई ये आता है कि हमें यही नहीं पता होता कि खाएं क्या, प्रोटीन कहां से पूरा करें, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे दोनों भाई हैं छोटे, इनकी मैंने बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कराई। ये तो स्कूल में थे और इनके पास भी पैसा बहुत ज्यादा कम था। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो सच बता रहा हूं मैंने इनको खाने को बोली थी, और इसमें ये भी पूरा नहीं खाते थे, इसमें ये भी कुछ कुछ चीजें खाते थे, और जिनकी वजह से इनको 100 ग्राम प्रोटीन पूरा मिल जाता था दिन का, और इनकी फिजिक में इतने तकड़े चेंजेस आए। तो इस वीडियो में एक चीज और बताऊंगा जो मैंने इनको बताई थी, टाइमिंग, कि किस टाइम आपको ये सब चीजें खानी है फॉर बेस्ट रिजल्ट। पहला जो फूड आइटम आता है भाइयों, वो है सोया चंक्स। देखो, सोया चंक्स को लेकर ढेर सारे वीडियोस बन चुकी है कि सोया चंक्स अगर आप खाओगे तो आपके मैन बोब्स, गाइनो की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये वो बहुत सारी नेगेटिव चीजें। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं भी डेली बेसिस पे सोया चंक्स खाता हूं, और मैंने उनको भी सोया चंक्स खाने के लिए बोले थे, और इनकी बॉडी में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया, और मैं भी इतने महीनों से खा रहा हूं, मुझे भी नहीं हुआ। तो आप 60 ग्राम सोया चंक्स दिन का खा सकते हो, और अगर आपने 60 ग्राम सोया चंक्स खा लिया तो आपको 31 से 32 ग्राम प्रोटीन सिर्फ इससे ही मिल जाएगा। सोया चंक्स दोस्तों आप डायरेक्टली ना खाओ, खुद सारे लोग क्या करते हैं कि भिगा देते हैं और इसे खा जाते हैं, नहीं, आपको इसकी सब्जी बनाने लिए फ्राई कर लेना है, या फिर आप लोग करो ढेर सारी सब्जियां काटो, प्याज व्याज काटो और इनको डाल के खा लो। इसको आप रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, जैसा आपका मन करे वैसा खा सकते हो, लेकिन दिन में 60 ग्राम आपको खाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत खाना। ये खाने का बेस्ट टाइम है दोपहर के खाने में या फिर 11 से 12 बजे के बीच में। दूसरी चीज आती है भाइयों, सत्तू पाउडर। देखो, जैसे नींबू का पानी इन गर्मियों में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, सत्तू पाउडर भी हम गरीब लोगों के लिए जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। सत्तू बहुत ही आसानी से आपको किसी भी बंसल की दुकान पर मिल जाएगा, जिसकी दुकान में राशन वगैरह मिलता है, और आपको सिर्फ 50 ग्राम डेली का सत्तू ठंडे पानी में पीना है। इसमें आप चीनी, शहद या कोई भी अपना चीकू, केला वगैरह मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो। आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसी तरीके से बस डालता हूँ ठंडे पानी में और बस इसको पी लेता हूँ। उसमें चीनी भी आप लोग डाल सकते हो। अगर आप लोग दिन का 50 ग्राम सत्तू भी पी लेते हो तो आपको इससे 13 ग्राम के अराउंड प्रोटीन मिल जाएगा। पीने का बेस्ट टाइम है भाइयों सुबह मॉर्निंग में, जब आप स्कूल, कॉलेज, जॉब के लिए निकल रहे हो। तीसरी जो चीज आती है भाइयों, वो है 250 ml दूध। देखो भाइयों, दूध हर किसी के घर में होता है और दूध बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक गिलास दूध आपको डेली का पीना है। एक गिलास दूध अगर आप पियोगे तो इसमें आपको लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और डिपेंड करता है कि आप किसका दूध पी रहे हो। फुल क्रीम हो गया, नॉर्मल हो गया, आप वैसा दूध मत समझना कि मैं किसी और चीज का दूध कह रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, डिपेंड करता है, ठीक है। तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा एक गिलास दूध के अंदर, दूध जरूर पिया करो। अगर आप लोग डेली बेसिस पे दूध पियोगे तो उससे कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, और भाइयों आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़िया होगी, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। दूध पीने का बेस्ट टाइम होता है भाइयों रात को सोने से आधे से एक घंटा पहले, इस टाइम आपको बहुत ही इनसेन रिजल्ट देता है। उसके बाद भाइयों नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है 100 ग्राम पनीर। देखो, 100 ग्राम पनीर आपको 20 से 25 रुपए का मिलेगा, आई नो कि बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना कि थोड़ा सा पैसा आप जोड़ के आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि पनीर सिर्फ प्रोटीन का ही सोर्स नहीं है, इसके अंदर आपको दोस्तों हेल्थी फैट्स भी मिलते हैं। हेल्थी फैट्स दोस्तों हमें कैलोरी सरप्लस में रखने में मदद करते हैं, और हमारी बॉडी को फैट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसको खाने से पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप मछली वगैरह तो खा नहीं सकते। और इसको खाने का बेस्ट टाइम है वो है रात के टाइम पे, मतलब डिनर 8-9-10 बजे के टाइम पे आप इसे खाओ, बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट ये देगा। के बाद फिफ्थ जो फूड आइटम आता है भाइयों, ओट्स। देखो, ओट्स तो वैसे आपने सुना होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है, लेकिन भाइयों अगर आप लोग 100 ग्राम ओट्स डेली का खाते हो तो इससे आपको लगभग 14 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बेस्ट टाइम है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और पूरे लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी आपको देता रहता है। अगर आप लोग इसको खाने के बाद जिम जाते हो, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे, कोचिंग जाओगे, जॉब जाओगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, तो इसको खा के जाना, बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। अब ओट्स को आपको कैसे बढ़िया बनाना है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग इसमें शहद वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ये ऑप्शनल है, वे प्रोटीन। देखो भाई, ऑप्शनल तो है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट है, अगर आप लेते हो एक बढ़िया सा वे प्रोटीन में पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हेलिक्स लैब का ये वे कॉन्सेंट्रेट ले लो। उसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको हर एक सर्विंग में, BCAA ग्लूटामाइन भी है, 66 सर्विंग है, मात्र 4000 रुपए में आपको मिल जाएगा अमेज़न पे। लेकिन अगर आप लोग द न्यूट्रिशन प्लेनेट के पेज से, मतलब इनके पेज से बाय करते हो तो ये आपको और भी कम रेट में मिल जाएगा, 200-300 रुपए। तो आप वहां पे जाके पूछ लो, आप बोल देना कि ये वीडियो देख के आए भाई, मैं सच बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है, इसका मास गेनर भी बहुत अच्छा है, वो 3000 रुपए के अराउंड है, सच बता रहा हूँ, वर्थ डील है। एक स्कूप में आपका पूरा काम हो जाएगा, अगर आप लोग हर दिन वो 20-30 रुपए नहीं खर्च कर सकते तो एक बार की इन्वेस्टमेंट है, इसे यूज कर लो। वैसे आप लोग इसे www.tnponline.in से भी बाय कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम के पेज से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि वहां पे जाके आप बाय करो। बाकी अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैंने अमेज़न का लिंक डाल दिया नीचे, वहां से जाके आप लोग बाय कर सकते हो।